वाराणसी नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, पान खाकर थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वाराणसी में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है, जिसके लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चला रही है। शहर को येलो और रेड जोन में बांटा जा रहा है। नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा पेशाब करने और पान खाकर थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जिनको नगर निगम ने येलो जोन बनाया जा रहा है, तो वही कचरा न फेंकने वाले स्थान को रेड जोन बनाया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम की तरफ से पूरे शहर में बोर्ड भी लगाए जाएंगे, तो वहीं इन नियमों का जो भी उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। हम लोग अपने जिले को और स्पेशल निगमी जो क्षेत्र हमारा है, उसको हमने 2 जोन में बांटा है, रेड जोन येलो जोन। इसमें खुले में पेशाब करना, खुले में थूकना, खुले गार्बेज को फेंकना, इस संबंध में हम लोगों ने प्रतिबंध करने हेतु एक कदम उठाए हैं। इसमें कार्रवाई के रूप में 250 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, तथा विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसमें मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार आप अवश्य करें, कि जो पान खाने की जो हमारी पद्धति है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, लेकिन खुले में ना थूकें, इससे संक्रमण भी फैलता है, गंदगी भी होती है। और G20 में विदेशों से और भी मेहमान आएंगे, उनके सामने शहर की छवि भी प्रभावित होती है। तो इसलिए जीरो टॉलरेंस के तहत हम लोगों ने इस प्रक्रिया को अपनाया और इसको हम लोग जोर शोर से लागू करेंगे। स्वच्छता को लेकर वाराणसी नगर निगम हमेशा सचेत रहा है। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार भविष्य में G20 जैसा महत्वपूर्ण सम्मेलन वाराणसी में आयोजित होगा। हम लोगों ने अपने जिले को 2 जोन में बांटा है, रेड जोन येलो जोन, जिसके अंतर्गत खुले में गंदगी करने पर लोगों ने प्रतिबंध लगाया है। अगर कोई खुले में गंदगी करता है, तो उसके ऊपर 250 से 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। हम लोगों के द्वारा 55 चौराहों पर अनाउंसमेंट के जरिए अवेयरनेस फैलाने का काम किया जा रहा है।